你为什么要在决赛上气方大小姐？वेलकम बैक रॉकर्स। दोस्तों स्वागत है आपका स्वीट कॉम्बैट के 22वें पार्ट में। अगर आपने पिछले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उनको जाकर देखिए, फिर इस सीरीज का आनंद उठाइए। पिछले पार्ट में आपने देखा कि टूर्नामेंट के फाइनल्स वाले दिन फेंगयू कॉलेज के बजाय अपने अंकल की कब्र के पास बैठी होती है और इस वजह से उसको डिस्क्वालीफाई करके होडी को विनर अनाउंस कर दिया जाता है। सारा स्टूडेंट्स बहुत ही गुस्से में होते हैं कि फेंगयू ने ऐसा क्यों किया और इस होडी को चैंपियन क्यों बनने दिया। लेकिन होडी कहता है कि मैं फेंगयू से लड़कर फाइनल जीतना चाहता हूं, इस तरह बिना लड़े मुझे विनर नहीं बनना है, और ये कहकर वो रिंग से उतर जाता है। फेंगयू से फाइट करके उसको हराना ही होडी का लक्ष्य हो जाता है। अब यहाँ ज़ाओमी अपने घर पर होती है, उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा होता है और उसके पापा उसकी फिजियोथेरेपी करवा रहे होते हैं और वो दर्द के मारे चिल्ला रही होती है। तब सुनहाओ वहाँ पर आता है। अब उसको देखती है ज़ाओमी चिल्लाना बंद कर देती है। अब इस पर उसके पापा कहते हैं कि शायद तुम ही इसकी दवाई हो और इसलिए तुम्हारे आते ही इसका दर्द बंद हो गया। तुम दोनों बात करो, मुझको थोड़ा आराम करना है, और यह कहकर वो अंदर चले जाते हैं। अब सुनहाओ कहता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम अपनी हार के बारे में मत सोचो, सबसे इम्पोर्टेंट है अपना बेस्ट देना, और तुमने वही किया। क्या फेंगयू के बारे में कुछ पता चला? ज़ाओमी बताती है कि उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। इस पर सुनहाओ कहता है कि तुम फिक्र मत करो, वो लौट आएगी, लेकिन अगर वो तुमसे बात करे तो उसे सावधान रहने के लिए कह देना, क्योंकि ये होडी एकदम पागल लड़का है, उस पर फेंगयू को हराने का भूत चढ़ा हुआ है, इसलिए फेंगयू को भी खतरा है। अब ये कहकर वो बाहर आ जाता है, लेकिन बहुत तेज बारिश हो रही होती है और इसके पास तो छाता भी नहीं है। ये सोचकर ज़ाओमी जल्दी से छाता लेकर बाहर जाती है, लेकिन वहाँ फेंगयू को देखकर ज़ाओमी बिल्कुल चौंक जाती है। अरे तुम कहाँ चली गई थी, चलो अंदर आओ, ये कहकर वो फेंगयू को घर में लेके आती है। फिर वो उसके बाल पहुँचती है और पूछती है कि तुम फाइनल्स के फाइट से पहले कहाँ गायब हो गई थी, क्या तुम्हें पता है कि होडी ने क्या किया? अरे जवाब क्यों नहीं देती, अपने मैच से पहले तो तुम बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक तुमने मिंग टैन से ब्रेकअप क्यों कर लिया? लेकिन फेंगयू कुछ नहीं कहती और फूट फूट कर रोने लगती है। ठीक है बाबा, मैं कुछ नहीं पूछूंगी, तुम प्लीज रोना बंद करो यार। फिर ज़ाओमी फेंगयू को कॉल करके बताती है कि फेंगयू मेरे घर पर है, लेकिन वो बहुत ही परेशान है, तुम चिंता मत करो, जैसे वो थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। अब अगली सुबह दादाजी और फेंगयू ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। फेंगयू कहता है कि फेंगयू बहुत ही परेशान है, क्या आपने उससे कुछ कहा? उसके दादाजी गुस्सा हो जाते हैं कि तुम हर बात पर मुझको जिम्मेदार क्यों ठहराते हो। दादाजी, फेंगयू बहुत ही दुखी है, आप उसको कुछ मत कहिए, उसे अपनी मर्जी से रहने दीजिए। और इतने में फेंगयू आ जाती है। अब फेंगयू बहुत ही खुश होकर उससे बात करता है, लेकिन वो कहती है, दादाजी मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, मैं किसी फॉरेन कंट्री में जाकर पढ़ाई करना चाहती हूँ और मैं बिजनेस के बारे में पढ़ना चाहती हूँ ताकि इस कंपनी को संभाल सकूं। और ये सुनकर फेंगयू तो एकदम शॉक हो जाता है, दीदी ये क्या कह रही हो, क्या तुम अपना एमएमए टाइटल इतनी आसानी से छोड़ दोगी, और फिर मिंग टैन के बारे में भी तो सोचो। इस तरह वो फेंगयू से कई सवाल पूछता है, लेकिन दादाजी उसको बोलने ही नहीं देते। वे कहते हैं, तुम जहां चाहो वहां जाकर पढ़ सकती हो, मैं सारा इंतजाम करवा कर तुमको वहां भेज दूंगा। अब इस पर फेंगयू गुस्से में कहता है कि आज से मुझे तुम्हारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये कहकर वो चला जाता है। अगले सीन में फेंगयू और ज़ाओमी कॉलेज आती है। सारे स्टूडेंट्स फेंगयू को घेर लेती है और पूछती है कि आप मैच के लिए क्यों नहीं आई, हम सब आपको अपना रोल मॉडल मानती है और हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। दूसरी ओर मियां भी उससे कहती है कि तुम्हें सच बताना ही होगा, हमारे कॉलेज की बॉक्सिंग क्वीन होकर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। अब फेंगयू कहती है कि मुझको तुमको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, और ये कहकर वो सीधे प्रिंसिपल के पास जाती है और एक रिक्वेस्ट लेटर देती है। उसकी टीसी रिक्वेस्ट को देखकर प्रिंसिपल बड़े हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हारे दादाजी ने तुमको फिर से फोर्स किया? नहीं सर, मैंने खुद यहाँ से जाने का फैसला किया है। और ये सुनकर प्रिंसिपल चौंक जाते हैं। देखो फेंगयू, मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम मैच के लिए क्यों नहीं आई, लेकिन इस कॉलेज से जाना है तो प्रॉपर रीजन चाहिए, आखिर तुमको प्रॉब्लम क्या है? तुम समझदार हो, सोच समझ कर डिसाइड कर लो। सर मैंने डिसाइड कर लिया है और ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, ये कहकर फेंगयू वहां से जाने लगती है। तब मिंग टैन वहां पर आता है और प्रिंसिपल कहते हैं कि बेटा तुम इसको जरा संभालो, और ये कहकर वो बाहर चले जाते हैं। अब मिंग टैन पूछता है कि तुम अचानक कहां चली गई थी, मुझे तुम्हारी बहुत ही फिक्र हो रही थी, इस तरह प्रॉब्लम से मत भागो, जो भी हो मुझको बताओ, हम मिलकर उसका हल ढूंढेंगे। इस पर फेंगयू कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, मेरे अंकल जी के साथ जो हुआ उसे मैं भुला नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ, तुम प्लीज मुझसे इस बारे में मत पूछो। फेंगयू, मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो तुम कॉलेज छोड़कर मत जाओ, मैं ही चला जाऊंगा। इस पर फेंगयू कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, दादाजी ने सब कुछ अरेंज कर दिया है, मैं ये कॉलेज छोड़कर जा रही हूँ और 2-3 दिन में देश छोड़कर भी जाने वाली हूँ। अब ये कहकर वो बाहर चली जाती है। अब मिंग टैन बड़ा ही मायूस हो जाता है कि फेंगयू उसके पापा की गलती की सजा उसको क्यों दे रही है, और उसके पापा ने जानबूझकर उसके अंकल जी को नहीं मारा था, वो तो एक हादसा था। अब ये सब सोचकर मिंग टैन का दिल बैठ ही जाता है, और तब बाहर फेंगयू ज़ाओमी को सच बताने लगती है, मिंग टैन के पापा ने जानबूझकर मेरे अंकल को मार डाला था, लेकिन मैं ये बात मिंग टैन को नहीं बताना चाहती क्योंकि वो ऑलरेडी अपने पापा से सख्त नफरत करता है, और अगर उसे ये बात पता चल गई तो वो अपने पापा से और नफरत करेगा, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, इसलिए मैं सच बताकर उसको और दुख नहीं देना चाहती। अब ज़ाओमी उसको शांत करती है और कहती है कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो।
अब फेंगू घर जा रही होती है और रास्ते में शेवी एक बड़ा गुलदस्ता लेकर आता है। वो कहता है, तुम्हारे दादाजी ने मुझको यहाँ भेजा है, क्या तुम मेरे साथ रेड पर चलोगी? फेंगू अपना गुस्सा कंट्रोल करके कहती है, चुपचाप यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हारी हड्डियाँ टूट जाएंगी। अरे मुझे तो दादाजी ने भेजा था, क्या मैं दादाजी को फोन करके बता दूं कि तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती? अब इसी बीच मिंग टैन वहां अपनी साइकिल पर आता है। उसको देखते ही फेंगू जाकर शेवी की कार में बैठ जाती है। वो सोचती है कि ऐसा करने से मिंग टैन उससे नफरत करने लगेगा और शेवी भी मिंग टैन को चिढ़ाने लगता है। मिंग टैन चुपचाप वहां से चला जाता है। अब उसके जाते ही फेंगू कार से उतर जाती है, लेकिन शेवी उसके पीछे जाता रहता है। फेंगू दोबारा वार्निंग देती है कि मेरे पीछे मत आओ वरना आज तुमको कोई नहीं बचा सकेगा, और ये कहकर फेंगू चली जाती है। अब वहां मिंग टैन फिर अपने पार्ट टाइम जॉब पर चला जाता है। दरअसल दादाजी ने वर्कशॉप ओनर पर जो कंप्लेंट की थी उसको वापस ले ली है, इसलिए वर्कशॉप दोबारा खुल गई है। अब काम के बीच मिंग टैन को फेंगू की याद आती रहती है। उसका ओनर कहता है कि बेटा तुम बहुत देर से काम कर रहे हो, जाओ जरा आराम कर लो। मिंग टैन के नसीब में फेंगू है या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन मिंग टैन बहुत ही किस्मत वाला है जो उसको ऐसा बॉस मिला है। दोस्तों अगर आपने भी यही सोचा है तो कमेंट करके बताइए कि आपको ऐसा बॉस नसीब हुआ कि नहीं। अब यहाँ मिंग टैन कहता है कि सर सिर्फ 2-3 कार्स बाकी हैं, उनको वॉश करके मैं आराम करूंगा। तब शेवी और उसके फ्रेंड्स आते हैं। शेवी मिंग टैन से कहता है कि हमने ड्रिंक्स पार्टी की थी और मेरे दोस्तों ने कार के अंदर उल्टी कर दी है, तुम उसे पूरी तरह से साफ करके वॉश कर दो। और ओनर समझ जाता है कि इन लोगों का इरादा क्या है और वो मिंग टैन से तुरंत अंदर जाने को कहता है। वो शेवी से कहता है कि मैं आपकी कार क्लीन कर दूंगा, पर मिंग टैन कहता है कि सर आप इसमें मत पड़िए, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं खुद संभाल लूंगा। ये कहकर वो कार के अंदर क्लीन करने लगता है। अब शेवी के फ्रेंड्स ओनर को जबरदस्ती चाय पिलाने के लिए लेके जाते हैं। शेवी कहता है कि यही तुम्हारी असली औकात है, फेंगू ने भी तुमको छोड़ दिया है, मैंने तो पहले ही कहा था तुम अपनी औकात भूलकर फेंगू के सपने देख रहे हो। लेकिन मिंग टैन अपना काम करता रहता है। फिर वो मिंग टैन को चिढ़ाता है कि थोड़े दिन बाद तो मेरी और फेंगू की शादी हो जाएगी, फिर मैं तुम्हें अपने होटल में सर्वर का काम जरूर दूंगा। पर मिंग टैन कहता है कि फेंगू तुमको कभी भी पसंद नहीं करेगी। अब वो कहता है कि हाँ ये बात तो ठीक है, दरअसल मैं भी उसको पसंद नहीं करता, ऐसी बेवकूफ और पागल लड़की किसको पसंद आएगी जो बेवक्त बॉक्सिंग करती रहती है, मैं तो ये भी जानता हूँ कि वो मुझको पसंद नहीं करती है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, उसके दादाजी तो मुझको बहुत ही पसंद करते हैं, उनके लिए और अपने पापा के लिए ही मैं उसके पीछे पड़ा रहता हूँ। और इस तरह फेंगू के बारे में वो बहुत कुछ बुरा भला कहकर वहां से चला जाता है। अब वर्कशॉप का ओनर भी उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। वो किसी को कॉल करके बताता है कि बॉस आपकी बात सच निकली, एक अमीर लड़का यहाँ पर आया था और मिंग टैन से न जाने क्या क्या काम करवा रहा था, उसने मिंग टैन को परेशान करके रख दिया है। ये बॉस और कोई नहीं फेंग ज़ोयू है, उसे पता था कि शेवी मिंग टैन को परेशान जरूर करेगा, इसलिए उसने ओनर से वीडियो रिकॉर्ड करने को कहा था। वो ओनर से कहता है कि आप जल्दी मुझको वीडियो भेज दीजिए, बाकी का काम मैं देख लूंगा। अब ओनर फेंग ज़ोयू को वीडियो भेज देता है। अब फेंग ज़ोयू फेंगू को वीडियो कॉल फॉरवर्ड करता है और वीडियो देखकर फेंगू को इतना गुस्सा आता है कि वो सोचती है कि शेवी की मौत मेरे हाथों ही लिखी हुई है। अगले दिन हुडी फेंगू के ऑफिस पहुंच जाता है। वो रिसेप्शनिस्ट से पूछता है तो वो कहती है कि फेंगू ऑफिस में नहीं है, आप अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, मैं उनको बता दूंगी। लेकिन हुडी अपना नाम बताकर कहता है कि तुम फेंगू से सिर्फ इतना कहना कि मैं उसके साथ फाइट करना चाहता हूं, और ये कहकर वो बाहर चला जाता है। यहां फेंगू शेवी के साथ रेस्टोरेंट में होती है। शेवी नहीं जानता कि फेंगू उसकी सारी करतूतें वीडियो में देख चुकी है। उसने प्लान किया था कि आज वो किसी भी तरह फेंगू का हाथ पकड़ ही लेगा। उसने मीडिया में इन दोनों के रिलेशनशिप को पब्लिश करने के लिए एक रिपोर्टर भी अरेंज किया होता है। फिर वो बातों बातों में फेंगू का हाथ छू लेता है और तब शेवी का रिपोर्टर उनकी फोटो खींचता है। लेकिन शायद फेंगू शेवी का कैरेक्टर अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसने अपने एक रिपोर्टर बुलाई होती है। वो उस रिपोर्टर को शेवी का वीडियो क्लिप दिखाती है और शेवी ने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो घबरा जाता है। अब दोनों रिपोर्टर्स उस वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं और शेवी गुस्से में चिल्लाने लग जाता है, लेकिन फेंगू उसके मुंह पर पानी फेंककर बाहर चली जाती है। और इसी के साथ शेवी का चैप्टर खत्म। शेवी का वीडियो वायरल हो चुका है और दादाजी भी उसको देख लेते हैं। फिर वो शेवी के पापा को कॉल करके कहते हैं, आज से आपकी कंपनी के साथ हमारी कंपनी का कोई बिजनेस नहीं होगा। इस तरह वो अपने दोस्त के साथ रिश्ता तोड़ देते हैं। और ये सब देखकर फेंग ज़ोयू के दिल में लड्डू फूट रहे होते हैं कि शेवी मेरी दीदी की लाइफ खराब नहीं कर सकेगा। अब वहाँ शेवी के पापा उसके गाल लाल कर देते हैं। निकम्मे कहे कि मैंने तुम्हें फेंगू को इम्प्रेस करने को कहा था, लेकिन तुमने मेरे केक किराए पर पानी फेर दिया। सारे चैनल्स पर तुम्हारी वीडियो चल रही है और हिट भी हो गई है, ऊपर से तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मेरा पूरा बिजनेस ठप होने वाला है। अब उसे इस तरह डांट कर वो चले जाते हैं और शेवी सोचता है कि मैं फेंगू को नहीं छोड़ूंगा। अगले सीन में फेंगू कहीं जा रही होती है, तब हुडी उसको रोकता है और उसे फाइट करने के लिए ललकारता है। फेंगू कहती है कि इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, फिर वो तेजी से निकल जाती है। अब हुडी ठान लेता है कि एक ना एक दिन तो मैं तुम्हारे साथ फाइट जरूर करूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। अब यहाँ अकड़ू और शेवी मिलते हैं। शेवी पूछता है कि तुम इतने दिन कहाँ गायब हो गए थे। अकड़ू बताता है कि एक लड़के ने फाइट में मेरी हड्डियां तोड़ दी थी,
कल ही मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ हूँ। अब शेवी चौंक जाते हैं कि क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग फाइटर है। तब पीछे से हुडी आता है और उसको देखकर अकड़ू घबराकर अटैक के लिए तैयार हो जाता है। शेवी कहता है कि ये तो अपना आदमी है, इससे मत डरो, फैंकू से बदला लेने के लिए ये मेरी मदद करेगा। अब अकड़ू कहता है कि इसी ने मेरी हड्डियां तोड़ी थी, अगर तुम इससे दोस्ती करोगे तो मुझसे कभी बात मत करना। ये कहकर वो बाहर से भाग जाता है। अब हुडी शेवी से कहता है कि तुम मेरी और फैंकू की फाइट का जल्द से जल्द इंतजाम कराओ। शेवी कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन सबसे पहले हमें मेंगटैन को किडनैप करना है, जिसे फैंकू बहुत ही प्यार करती है, फिर फैंकू तुम्हारी हर बात मानेगी। अब इस तरह दोनों मेंगटैन को किडनैप करने का प्लान बना रहे होते हैं। बाहर से अकड़ू इनकी बातें सुन लेता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही एपिसोड यहाँ पर खत्म। आगे की कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब सिर्फ 5 या 6 एपिसोड्स बचे हुए हैं और उन्हें हम सिर्फ 3 पार्ट्स में कवर कर लेंगे। क्या मेंगटैन डेथ स्ट्राइक सीखेगा, फाइनल मैच फैंकू और हुडी के बीच होगा या मेंगटैन और हुडी के बीच होगा, ये सब हम आगे के 2 या 3 पार्ट्स में जान ही लेंगे। इसलिए हमारे साथ दोस्तों बने रहिए। और अगर ये 22वां पार्ट आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें, बस अभी, और इस सीरीज के वीडियोस को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।